Assalamu alaikum class, assalamu alaikum students. I am here Zainab, your biology teacher, and we will discuss about introduction to biology. That is our first chapter. So let's start our first chapter, that is introduction to biology. Students, hum log jab science ki baat karte hain, what is science? जो साइंस होती है ना वो हमारी एक स्टडी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, प्रैक्टिकल फिनोमेना देखते हैं और उसके बाद उनके कंक्लूजन्स निकालते हैं. ये किस लिए निकालते हैं? जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनके कंक्लूजन्स होते हैं, वो किस लिए करते हैं? हम साइंस में ये सब चीज़ें स्टडी इसलिए करते हैं कि जो हमने नेचर के प्रिंसिपल्स हैं ना, जो नेचर किस तरह काम कर रही है, नेचर में ऑर्गेनिजम्स कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट, उनके सॉल्यूशन, ये जो सब कुछ हम देखते हैं, ये हम बायो के थ्रू देखते हैं, साइंस के थ्रू देखते हैं, ठीक है. और इसके अंदर हम साइंस में ये कह सकते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना एंड टू ड्रॉन कंक्लूजन्स फॉर द स्टडी ऑफ नेचर, फॉर द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ठीक है. हम इसकी ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं. सिर्फ इसमें यह होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना एप्लीकेबल होगा हमारी नेचर के ऊपर, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है. स्टूडेंट, हम बायो की ब्रांचेस पढ़ने से पहले लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है. बायोलॉजी हमारे टू ग्रीक वर्ड से निकली है. बायोलॉजी का जो वर्ड है ना वो टू ग्रीक वर्ड से निकला है. दैट इज़, वन इज़ बायोस एंड द सेकंड वन इज़ लॉजोस, ठीक है. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉजोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. थॉट और रीजनिंग, ठीक है. तो बायोलॉजी क्या बना? बायोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है. इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. लेकिन जो थॉट और रीजनिंग की बात आ रही है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ की स्टडी हम उसको करें लेकिन एक रीजनिंग के थ्रू, एक थॉट के थ्रू, ठीक है, जिसमें एक पूरा पैटर्न होगा कि हम लोग किस वजह से स्टडी कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, हमारा इनिशिएटिव क्या है, हम किस चीज़ पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं. और बायोस एंड लॉजोस आर टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जो बायोलॉजी को बनाते हैं. उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है. हमारे पास जो अब ब्रांचेस है ना ये एवोल्यूशनरी हैं. हमारे पास पहले बायो की बिल्कुल भी ब्रांच नहीं थी कोई, लाइक हम लोग साइंटिस्ट जो है इनको स्टडी नहीं करते थे. लेकिन अब जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है, मज़ीद दौर आ रहा है, तो उसमें हम एवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने बायो की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को स्टडी करना शुरू कर दिया है. एज़ वेल एज़ इनको हमने कैरियर्स भी बना लिया कि हम इनमें कैरियर बना सकते हैं अपना, लाइक हम इनको एज अ पैशन थ्रू यूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर में, अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं इनमें, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें मज़ीद स्टडी कर सकते हैं टिल PhD, ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा हम रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, हमने पढ़ लिया बायो क्या है, साइंस क्या है, अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. हमारे पास अब दौरे हाजिर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, ठीक है. लेकिन उनमें से जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और जिनके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम सिर्फ आज वो पढ़ेंगे, ठीक है. जो आपके बुक में मेजर हैं, मतलब जो सारी बायो की ब्रांचेज हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे. और उनमें हम क्या करेंगे कि उनमें हम देख सकते हैं कि हमारा करियर क्या हो सकता है और हम उसको किस तरह थ्रू आउट रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास पहली जो ब्रांच है बायो की, दैट इज़ जूलॉजी, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक.
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास अभी हमने जो स्टार्ट किया उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, जिसमें हम ये रीड करेंगे कि है हमारी ब्रांच किस तरह डील करी है बायो के साथ, इसमें हम क्या रीडिंग करेंगे. ठीक है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ जूलॉजी, व्हाट इज़ बोटनी, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी. अभी मैंने आपको सिर्फ उतनी लिखी है जितनी मैं आपको अच्छी तरह डिफाइन कर सकती हूँ और जो आपको प्रॉपर नज़र आ सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस लेटर. जियोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, हमारी बायो की वो ब्रांच जो हमें स्टडी ऑफ एनिमल्स सिखाती है. ठीक है, हम उसको कहते हैं जूलॉजी. ठीक है, जैसे जू है वो एनिमल से निकला है और लॉजी क्या है, स्टडी. ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स. बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, हाउ वी डिफाइन बोटनी, बोटनी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी और हम इसको सब ब्रांचेस भी कह सकते हैं. ठीक है, ये ब्रांचेज हैं और सब ब्रांचेज हैं. हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है. हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाए, बैक्टीरिया, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनकी जो सारी स्टडी होती है वो माइक्रोबायोलॉजी करती है. इट इज़ द स्टडी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी, ये हमारे फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की स्टडी को करती है. ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनकी लेयरिंग कैसे होती है, उनकी सारी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी. ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कह लेते हैं कि हम लोगों ने एक चीज़ की एनाटॉमी को देखना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैमरा है. ठीक है, तो कैमरे के जो फंक्शंस है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका, जो उसको उसको कैप्शन कैसे कर रहा है, कैप्चर कैसे कर रहा है पिक्चर को, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी एनाटॉमी है. इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है. ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी. ठीक है, उसके बाद है हिस्टोलॉजी, ये टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज. ठीक है, हिस्टोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल्स की स्टडी कैसी है, जैसे हमारे पास हम माइटोसिस है, मियोसिस है, सेल्स की जो डिवीजन है ना, और जो स्टडी है सेल की ओवरऑल, इसकी सारी स्टडी को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, फिजियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स ये होती है स्टूडेंट्स के हमारी जो है जनरेशन की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं. जनरेशन की स्टडी को भी कह सकते हैं और उसके बाद हम जीन्स की स्टडी को भी कह सकते हैं. ठीक है, जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं जनरेशन्स के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एज वेल एज द स्टडी ऑफ जनरेशन्स. तो हम इसको जेनेटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं हमें जनरेशन के थ्रू पास हो रहे हैं और जनरेशन बाय द बाय टाइम चेंज हो रही है, इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक्स. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी क्या है, इट इज़ ये हमारे एम्ब्रियो से लेके जो इंडिविजुअल की स्टडी है ना, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो
to a whole individual, it is called embryology. ठीक है, जो embryology है, embryo क्या होता है, जो हमारा cell होता है जिससे basically हम लोग zygote बनाते हैं और पूरा individual form में आता है, उसको हम कहते हैं embryology. ठीक है, अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया, हम next branches को पढ़ते हैं कि next branches क्या हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी, पैलियंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटमोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी. ठीक है, हम लोग ये क्या, हम लोग जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको भी रीड कर लेते हैं कि इनमें क्या और इनकी क्या स्टडी है. ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट जो टैक्सोनॉमी है ना, वो डील करती है हायरार्की को, हायरार्की, और हम इनको सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं. ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स, अब हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक लेवल है, एक फ़ैन है, ठीक है, उसका एक छोटा पर है, एक बड़ा पर है, एक छोटा पर है, एक बड़ा पर है, तो इसमें हमारे पास टू लेवल्स आ रहे हैं, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल. ठीक है, तो हमारे पास टैक्सोनॉमी इस तरह है कि हायरार्की को डिफरेंट करती है. हायरार्की क्या होती है कि एक चीज़ के एक स्टेप्स होते हैं बड़े से लेकर छोटे तक. ठीक है ना, तो हम लोग ये टैक्सोनॉमी की स्टडी कैसे करते हैं कि जो हमारे बायो में टैक्सोनॉमी का क्या फ़ायदा है, टैक्सोनॉमी जो होती है वो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनको सब ग्रुप्स में डिफाइन करती है, उनको सब ग्रुप्स में एलोकेट करती है और उनके बाद उनकी स्टडी करती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने दो चीज़ों की स्टडी करनी है, एक मैक्रो है, एक माइक्रो है, तो हम लोग दोनों की स्टडी एक साथ तो नहीं कर सकते हैं. हम उनके पहले ग्रुप बनाएंगे, मैक्रो के लहदा स्टडी, मैक्रो के लहदा, तो हम उनकी स्टडी को फिर दोबारा से डिफाइन करेंगे और एलोकेट करेंगे ग्रुप्स में, तब हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है, पैलियंटोलॉजी क्या है, पैलियंटोलॉजी स्टूडेंट्स हमारे फॉसिल्स की स्टडी है. ठीक है, हमारे पास जितना भी कोयला बनता है, ठीक है ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास हमारे ग्रीक एरा में यूज़ हो रही हैं, जो हमारे पास एवोल्यूशनरी हमारे पास पहुंच रही हैं, उन सब की स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी में करते हैं. फॉसिल्स क्या है, ठीक है, जो हमारे पास पहले एक ऑर्गेनिज्म थे प्रॉपर, लेकिन अब हम उनकी, जैसे कह लो कि आप उनकी स्किन को यूज़ कर रहे हो, उनकी टिश्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, उनकी हड्डियों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको फॉसिल्स कहेंगे जो हमारे पास एवोल्यूशन में हमें मिली है. ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इट इज़ कॉल्ड पैलियंटोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऐसी स्टडी है जो हमारी ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट को स्टडी करती है. अगर तो ये सिर्फ हो इन्वायरमेंटल, इसके साथ बायोलॉजी नहीं लगे, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, पूरे इन्वायरमेंट की स्टडी होगी. लेकिन क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या बायोलॉजी की सब ब्रांच है, तो हम इसमें ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे. देन वी कैन डिफाइन इट एज द स्टडी ऑफ द, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट सोशियो बायोलॉजी.
सोशो बायोलॉजी क्या है? अब हमारे पास इसमें टू वर्ड्स हैं, इट इज़ सोशो एंड द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजी. ठीक है, तो ये हमारी जो ऑर्गेनिजम्स की सोशल बिहेवियर की स्टडी है ना, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स को सोसाइटीज़ बनाने में हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं सोशो बायोलॉजी. ठीक है, सोशो बायोलॉजी हमारे ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर की स्टडी है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेक सोसाइटीज. इट इज़ कॉल्ड सोशो बायोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी, द नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी. वट इज़ पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उनसे खुराक लेते हैं, उनसे मूवमेंट करते हैं, उनके थ्रू करते हैं, लेकिन उनको एट द एंड हार्म पहुँचाते हैं. ठीक है, ये कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैरासाइट्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, उनको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, अब हम लोग जैसे दही है, दही बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास यीस्ट यूज होगा. यीस्ट ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हम लोग अब तो घर में बना लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो अगर आप उसके लिए कोई केमिकल चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म होगा, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी में रीड करेंगे. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एप्लीकेबल टू द इन्वायरमेंट, और हम उसको ये कह सकते हैं एप्लीकेबल टू द टेक्नोलॉजी. हम इसको बायोटेक्नोलॉजी को ये इस तरह रीड करेंगे. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट इम्यूनोलॉजी. What is immunology? Immunology जो है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टडी करती है. ठीक है, इम्यूनोलॉजी में हम लोग अपने इम्यून सिस्टम की ओवरऑल स्टडी करते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम कैसे, इम्यूनोलॉजी में हमारे पास कौन से सेल हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है, कैसे उसमें वर्किंग है, ठीक है, उसमें कैसे काम हो रहा है, ये इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. उसके बाद है एंटमोलॉजी, इंसेक्ट्स. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटमोलॉजी. द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी. ठीक है, फार्माकोलॉजी हमारे ड्रग्स को स्टडी करती है. ठीक है, फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, और उनकी एप्लीकेबल जो एप्लीकेशन है ना हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनको डिफाइन करती है, और इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ ली हैं, हमने कंप्लीट कर ली है. इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसको इस तरह से तैयार कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास जो भी चीज़ आए तो आप उसको ईजिली अपना परफॉर्मेंस दे सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये जो हमारे पास ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स. अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो है ना टॉपिक, वो हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स. ठीक है, वो हमारे पास है, मैं आपको बता देती हूँ, 1.1.2 रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी to other sciences. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टूडेंट्स अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी चीज़ के साथ हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं,
तो हम उसको कहेंगे इंटर डिफरेंस है इनका, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मूवमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे फिज़िक्स के लॉ हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह लेंगे उसको, क्या कहेंगे हम लोग, कि हम लोग बायो के साथ फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो हमारे पास स्टडी के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इकट्ठे स्टडी करें। दो प्रिंसिपल्स को एक साथ अगर स्टडी करेंगे तो हम उसको कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब हम इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स देखेंगे बायो के साथ, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स बायो के साथ काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखते हैं कि बायो के साथ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास है स्टूडेंट बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथ, जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बायोजियोग्राफी, और लास्ट वन है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग बताएंगे कि हमारे पास ये कैसे कैसे जो ब्रांचेज हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी कैसे हैं और ये कैसे डील कर रही हैं हमारे पास उसके साथ। अब सबसे पहले स्टूडेंट है बायोफिजिक्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बायोफिजिक्स क्या होगा, बायोफिजिक्स ये होगा कि दोनों हमारे पास दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक साथ स्टडी होएगी, ठीक है। बायोफिजिक्स, बायो की भी स्टडी होएगी और फिजिक्स की भी स्टडी होएगी। कैसे होएगी कि अगर हमने एक ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट को देखना है तो उनके साथ हमारे प्रिंसिपल्स बहुत लॉ लगेंगे फिजिक्स के, तो हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ये स्टडी हो रही है फिजिक्स की, और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिक्स दैट इज़ एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल फिनोमिना है उन पे फिजिक्स की स्टडी लग रही है, उसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स ये कंपाउंड्स और प्रोसेसेस की स्टडी है, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स कह लो और एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की वो तो बायो में डील कर रही है ना, लेकिन जो उनके अंदर कंपाउंड्स हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो कंपाउंड्स के हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड्स किससे डील करते हैं, केमिस्ट्री से डील करते हैं। तो हमारे पास वो स्टडी जिसमें हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे और प्रोसेसेस को डील करेंगे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट वन है बायोमैथ, ठीक है। बायोमैथ, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बायोमैथ और बायोमेट्री, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, दीज बोथ आर इंटरडिसिप्लिन, ये दोनों एक ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये कैसा हम पढ़ते हैं बायोमैथ और बायोमेट्री कैसी है, बायोमैथ और बायोमेट्री ऐसी है कि जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे ऑर्गेनिजम्स का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोमेट्री और बायोमैथ, ठीक है। इट इज़ द हम कह लेते हैं कि इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैथ एंड बायोलॉजी टू रीड ऑर्गेनिजम्स एप्लीकेबल टू मैथमेटिकल टूल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बायोजियोग्राफी, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे कि बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल रीजन्स। अब इसकी कैसे स्टडी करेंगे, हम इसकी ऐसे स्टडी करेंगे, इट इज़ द सब हम लोग ऐसे कह लेते हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी, नहीं नहीं हम कहेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है।
इन विच वी एलोकेट द ऑर्गेनिजम्स इनटू जियोग्राफिकल रीजन्स. ठीक है, कि हम इस तरह स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में इस तरह स्टडी करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रीजन्स के साथ उनकी स्टडी करते हैं, उनका जो जियोग्राफिकल पैटर्न होता है ना उसके साथ जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी. ठीक है, उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स. बायो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स क्या है कि जिसमें हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच इन इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इन विच वी रीड इन विच वी स्टडी इन विच वी रीड द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं. इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उसकी यील्ड निकल रही है मंथली. ठीक है, जब उसकी मंथली यील्ड निकल रही है ना तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, हमने कितनी जनरेशन की है, कितनी रीजनरेशन की है. तो प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिकल व्यू है ना ये सारे. ठीक है, तो हम इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस था. ठीक है, आप लोगों का ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लोज होता है और आप लोगों को इसमें समझ आ गया कि हमारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स क्या हैं. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये सारा जो आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है ना, और आप लोग इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं. थैंक यू.